रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस पर अपनी टेलीकास्टिंग के 12 साल पूरे कर चुका है। 12 साल पहले इस शो में हिना खान और करण मेहरा ने अक्षरा और नैतिक का किरदार निभाया, फैंस के दिलों पर छा गए। एक लंबे लीप के बाद नायरा कार्तिक की कहानी शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के चेहरे के साथ शुरू हुई और अब नई बारी है प्रणाली राठौर हर्षद चोपड़ा की। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है में रिश्ते एक बार फिर से बड़ा मोड़ लेने वाले हैं। सीरियल की कहानी में जेनरेशन लीप आने वाला है। प्रणाली राठौर इस शो में लीड अक्षरा का किरदार निभाने वाली हैं। आपको बता दें, अक्षरा के नाम से हिना खान घर घर में फेमस हुई थी, लेकिन लीप के बाद मेकर्स ने फैंस के दिलों में प्यार जगाने के लिए अक्षरा के नाम का यूज़ किया है। चेहरा एक्ट्रेस प्रणाली राठौर को दे दिया है। प्रणाली राठौर इस शो में लीड एक्ट्रेस के तौर पर आपको दिखाई देंगी। उनकी एंट्री का प्रोमो रिलीज हो गया है, जिसमें नई अक्षरा के लुक को रिवील भी किया है। आपको बता दें, शो के प्रोमो में प्रणाली राठौर संस्कारी बेटी के रूप में नजर आई। इंडियन अटायर पहने लग रही थी बेहद खूबसूरत। हालांकि अपनी रियल लाइफ में वो अपने इस लुक से एकदम अलग हैं, बिंदास हैं, हॉट हैं। प्रणाली राठौर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा बनने वाली हैं। हालांकि इससे पहले बैरिस्टर बाबू में सौदामिनी का नेगेटिव किरदार प्ले करके वाहवाही बटोर चुकी हैं। उससे पहले टीवी सीरियल प्यार पहली बार और जात न पूछो प्रेम, इन सब में भी वो नज़र आई थी। एक मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली प्रणाली राठौर अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नई अक्षरा बनने वाली हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।